और जैसे ही हम रूम से निकलते हैं, मानो फौरन भाग के आ जाती हैं और गोदी में आ जाती हैं और सबको ढूंढना शुरू कर देती हैं फौरन। और जैसे ही हम लोग सुबह उठते हैं, सबसे पहले सूरह रहमान लगा देते हैं हम लोग, ताकि घर में बरकत हो। सुबह सुबह हम लोग ऊँची ऊँची आवाज़ में घर में सूरह रहमान का विद लगा देते हैं, ताकि सारा दिन हमारा अच्छा गुजरे। आज और ये अब खड़ी हुई हैं कि इनको बस खाना दे दिया जाए, बस जल्दी से सोकर उठकर थोड़ा सा पानी पिया, फिर मैंने इनका खाना निकाला। मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इनका खाना बना देती होती हूँ, ताकि इनको जब भूख लगे इनको मिल जाए। और 3 टाइम देती हूँ इनको, और जिससे इनका पेट भर जाता है। जिनसे मैंने कैट ली थी उन्होंने मुझे मकदार बता दी थी, तो बस 2 स्पून देती हूँ इनको मैं फ़िलहाल। और अभी ये हैं 2 मंथ से, थोड़ी सी ऊपर की हो रही हैं, तो थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा दे देती हूँ, क्योंकि इन मानो जो बिल कैट्स होती हैं इनका जो है पेट ख़राब जल्दी हो जाता है, तो मैं ये नहीं चाहती कि बीमार हो जाए या इसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो बहुत एहतियात से इनको खाना देते हैं और कोई फालतू चीज़ें इनको नहीं देते हम। अब हम इनके खाने को गर्म करेंगे लिमिटेड, और अच्छे से गर्म जब ये हो जाएगा, तो जैसे बच्चों को हम खाना देते हैं चेक करके, तो थोड़ा सा उस हिसाब से इसको ठंडा करते हैं चमचे से, और ताकि इनका मुंह वगैरह नहीं जल जाए, और फिर इनको हम देते हैं। और पर देखिए अभी थोड़ी देर में इसको गर्म करके, और मैं इसको फिर ठंडा भी कर लूँगी, जब तक मैं इस खाने को वापस फ्रिज में रखाऊँगी कि ख़राब ना हो जाए, क्योंकि हम तो खाते नहीं हैं, वो खाती है, वो पता भी नहीं सकेगी कि ख़राब खाना है। तो मैं फटाफट इसको फ्रिज में रख दूँगी पहले। दोस्तों आपको पता है, जब से मानो आई है, जब से इसने हमें बिल्कुल भी तंग नहीं किया। इनको जब नींद आती है सो जाती हैं, और जब खेलना होता है खेलना शुरू कर देती हैं माशाल्लाह। और ये है इनका लिटर बॉक्स, और आप यकीन करें कि अभी सिर्फ 2 मंथ की है, सिर्फ 1 दफ़ा मैंने इनको सिखाया है, और इसी जगह पे आके ये अपनी पिछली पॉटी सब करती हैं। और कभी भी अभी तक 2 मंथ तकरीबन इनके हमारे पास, इनको 1 मंथ हो गए, लेकिन उन्होंने आज तक घर में किसी जगह पे भी गंदगी नहीं फैलाई। और बस ये इनका खाना मैं अब नॉर्मल गर्म कर रही हूँ, ताकि खा सकें, जैसे बच्चों का चेक करके खाना खिलाते हैं। और ये मैं इसकी प्लेट्स लेके आई हुई थी, जिसमें एक तरफ पानी होता है, एक तरफ इनका खाना डालते हैं। और बस मैं अभी इनको इसमें खाना दूंगी। और माशाल्लाह ये लिटर ट्रेन भी हो गई हैं, और बहुत प्यारी हैं, बहुत खेलती हैं, बिल्कुल सबसे मानूस हो चुकी हैं, और घर का हर बंदा इनको बहुत प्यार करता है। और अभी बस मैं इनको सबसे पहले मैंने कहा इनको कुछ खाना पीना दे दूं, और इन भाग के आई हैं माशाल्लाह, और अभी खाएंगी, बड़े शौक से खाती हैं अपना खाना ये। ये देखिए बहुत शौक से खा रही हैं माशाल्लाह। और सबसे पहले काम मानव को खाना देना था, जो कि वो पूरी रात की भूखी होती है, और मैंने मानव को खाना दे दिया है। और अब मैं अब घर वालों के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ, और मिलते हैं, चलिए मेरे साथ। और दोस्तों सबसे पहले हमें अपने को अच्छा बनाना है, ताकि घर वाले उठे, उनका मूड अच्छा हो जाए, और सारा दिन अच्छा गुजरे। तो हमें सबसे पहले अपने को सही करना होता है, और अपनी शक्ल अच्छी करनी होती है, ताकि सब। और अगर माँ अच्छे से सही रहती है, साफ सुथरी तैयार होती है, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, और बच्चे भी खुश होते हैं देख के, तो पूरा घर अच्छा रहता है, सही रहता है, खुश रहते हैं। तब अगर मामा बीमार हो जाए, मामा की तबीयत खराब हो जाए, या वो मसला हो जाए, तो सब लोग उदास हो जाए। और आज आता है हमारा पानी वाला, और आज हम लोगों का पानी आता है बुध का दिन में, और अभी स्वेप को भेजा हुआ है मैंने। पापा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए फ्रूट बन लेने गए हैं जो है, और वो खड़े हुए हैं, और ये दुकान पे ज़्यादातर जाते नहीं हैं, क्योंकि ये रोड थोड़ा सा बहुत बिजी होता है, तो रोड क्रॉस करने में मसला होता है, तो हम लोग चौकीदार के ज़रिए मंगा लेते हैं, कुछ भी मंगाना हो। और ये हैं मामदीन भाई, जो कि बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, और ये जोएब आ रहे हैं फ्रूट बन लेते हैं।
पापा मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, इसलिए वो ना ज़्यादा हैवी नाश्ता वगैरह नहीं करते इसकी वजह से। और दोस्तों दूसरा काम ये था, टूटू को थोड़ी सी धूप लगवाते हैं हम लोग, और इनको अभी मैंने धूप में रखा है। ये जाली इसलिए बंद है कि ये मानो साहिबा यहाँ बैठी हुई हैं, और मुझे अभी ग्रिल पे जाली लगानी है आज ही, ताकि ये कभी घिर विर ना जाए नीचे डायरेक्ट। तो बस अभी ग्रिल पे जाली लगानी है, जाली आके रखी हुई है बोरी, और बस आज जाली भी लगानी है। और ये टूटू को हमने धूप में रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा इनको भी अच्छा लगे, अच्छा फील हो। और दोस्तों ये टूटू भाई हमारे गैलरी में एंजॉय कर रहे हैं, और कल मैंने बनाया था हलवा, और आपको पता है पैरेट्स को हलवा बहुत पसंद होता है, और मैं भी इनको हलवा डालूँ और ये भी खाएंगे। पहले भी मैं इनको डाल चुकी हूँ, बहुत शौक से खा रहे हैं हलवा। ये मैंने हलवा बनाया था जो कि मैं भी तोतों को डालने जा रही हूँ, आपको पता है तोते बहुत शौक से खाते हैं हलवा। सबसे पहले मैं डालूँगी इनको, ये जो हमारे टूटू के मम्मा पापा हैं, और ये भी बहुत शौक से खाएंगे, तोते बहुत शौक से खाते हैं हलवा। और थोड़ा सा हम डालेंगे इनको, ये है हमारे ऑस्ट्रेलियन तोते माशाल्लाह, देखिए हम खुश हो रहे हैं। ये अभी खाएंगे नीचे आके दोनों, और ये दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे, और इनको भी हम थोड़ा सा हलवा डाल देंगे ताकि ये भी खा लें, और बाकी जो है हम इस सुल्तान को देंगे, सुल्तान को भी मुझे पता है बहुत पसंद आएगा। ये सुल्तान को भी हमने हलवा डाल दिया, और सुल्तान और गौर से देख रहे हैं। और दोस्तों सुल्तान ने ये जो इनका पानी का है डब्बा, उसको इन्होंने ख़राब कर दिया, इनकी वेल्डिंग तोड़ दी और उखाड़ दिया, तो ये दोबारा से इसको वेल्डिंग होगी तो ये सही होगा। और फिर इनको मुझे पिंजरे से निकाल के एक छोटे पिंजरे में डालना पड़ेगा, इनका पिंजरा मुझे फिर भेजना पड़ेगा सही होने के लिए, और ये वेल्डिंग के बगैर नहीं जुड़ेगा। ये इन्होंने वेल्डिंग निकाल दी है, तोड़ दी इन्होंने। और बाकी का जो थोड़ा सा हलवा है हम अपने चूजों को डाल देंगे, जो कि ये लोग खाएंगे आके, और ये भी खाते हैं हर चीज़, डबल रोटी हो हर चीज़ खाते हैं। छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है, दोनों घूम रहे हैं। सुबह में रोज़ इनको खोलते हैं हम ताकि ये लोग थोड़ा घूम फिर लें, और अब ये लोग खाएंगे दोनों। और दोस्तों ये रहा मेरा एक्वेरियम, और आप सोच रहे होंगे इसमें इतनी सारी मछलियाँ कैसे हो गई कि सिर्फ दो मछलियाँ थी इसके अंदर। तो दोस्तों जो मेरा पहले एक्वेरियम रखा हुआ था उसकी 9 मछलियाँ मैंने किसी को दे दी थी, क्योंकि मैं समझ रही थी कि मेरा एक्वेरियम लीक हो रहा है, ख़राब हो गया है। तो मैंने फिर से उसको जब भरा था तो ये लीक नहीं हो रहा था, तो उसको मैंने दोबारा भर के रख दिया था। तो मैं वक्ती तौर पे 2 छोटी फिशेस ले आई थी गोल्डी, लेकिन फिर वो जिनके पास रखवाई थी उनसे मैंने फिर वापस ले ली थी, तो अब वो 9 थी, और 9 और 2 छोटी मिला के अब 11 फिशेस हो गई माशाल्लाह इसके अंदर। और अभी इसकी छत का मसला सॉल्व नहीं हुआ है, छत बनने गई हुई है इसकी, और क्योंकि हमें मैचिंग चाहिए, अब दुआ करें कि इसकी मैचिंग में ही मुझे मिल जाए। और ये देखिए माशाल्लाह फिशेस बड़ी हो गई हैं, जब मैंने उनको दी थी बहुत छोटी थी, और ये बहुत जल्दी बड़ी होती हैं, और ये गोल्डी जो होती हैं जल्द ज़्यादा खाना खाती हैं, एक्वेरियम जल्दी गंदा करती हैं, लेकिन दोस्तों प्यारी यही लगती हैं मुझे। एक्वेरियम में एक ब्यूटी आ जाती है इनसे, और ये बहुत प्यारी लगती हैं, और भी रंग की होती है मगर इनसे ज़रा ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि ये होती है एक्टिव, इसलिए भी हम लोगों को ये ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन मैं दूसरी भी लाऊंगी फिशेज इसमें डालूंगी, लेकिन मुझे उसके लिए एक्वेरियम छोटा है तो ये बड़ी वालियों को कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उसके बाद मैं शायद दूसरी उसमें फिशेज डालूंगी। और ये अम्मा हमारी सफाई करने में लगी हुई है माशाल्लाह, आ जाती हैं टाइम पे और बहुत अच्छे से सफाई करती हैं। इन्हीं को हमारे घर की पूरी सफाई का आइडिया है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, और बहुत अच्छे से सफाई करती हैं। यस की तरह स्टॉप दे, वैसे थोड़ी होता है
मसूदा के हाथ वही रुक रहे हैं, चलो वही रुक रहा है, फिर से करो। मैं जैसे स्टॉप बोलूंगी हाथ छोड़ना, हाथ हटा, बाल बनाते रहो, जैसे बोले जहाँ हाथ होगा वही रोक, वही रोक रहा। चलो 1 2 3 यस स्टॉप। जो हिल गया वो आउट हो गया। फिरी दफा होगा, अभी इसमें जीत गए दोनों, ठीक है। चलो एक स्टॉप स्टॉप, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, स्टॉप। फ्री स्टॉप। जो हिलेगा वो आउट हो जाएगा। फ्री। और ये लोग बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं और फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं और बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं अच्छा खेलने के लिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से इसी गेम को खेलेंगे, ओके। और दोस्तों मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।